और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, श्रावस्ती जनपद के पुलिस लाइन में अंतर जनपदीय फुटबॉल मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जहां पर श्रावस्ती की टीमों ने गोरखपुर को फाइनल में हरा करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, खिताब अपने नाम कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 72वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल पुरुष महिला प्रतियोगिता का आयोजन श्रावस्ती पुलिस लाइन में हुआ, जिसका आज समापन था। श्रावस्ती महिला व पुरुष टीम ने खिताब जीता है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया ने विजेता टीम को ट्रॉफी दे करके सम्मानित किया है। तो जनपद में 21 जुलाई 2024 से चल रही 72वीं अंतर जनपदीय उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल महिला पुरुष प्रतियोगिता का आज श्रावस्ती पुलिस लाइन भिनगा में समापन किया गया है। इस प्रतियोगिता की मेजबानी श्रावस्ती पुलिस के द्वारा की जा रही थी। मुकाबले के अंतिम दिन आज श्रावस्ती की महिला व पुरुष टीम ने गोरखपुर को हरा करके खिताब अपने नाम किया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने विजेता टीम को और उप विजेता टीम रही गोरखपुर टीम को ट्रॉफी देकर के मेडल देकर के प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जनपद श्रावस्ती के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इससे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ श्रावस्ती के युवाओं की खेल में रुचि बढ़ेगी, जिससे श्रावस्ती का नाम रोशन होगा। आज के इस आयोजन का उद्देश्य खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ाना है और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जनपद श्रावस्ती के विकास के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ताओं व सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएँ दी गईं। पुलिस अधीक्षक ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, खेलकूद हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि मानसिक विकास और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन के जनपदों की पुरुष वर्ग की 10 टीम व महिला वर्ग की 7 टीमों ने प्रतिभाग किया। पुरुष वर्ग की टीम जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, गोरखपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, देवरिया, बहराइच तथा महिला वर्ग की टीम जनपद बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, श्रावस्ती, गोंडा ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी भिनगा अतुल चौबे, क्षेत्राधिकारी लाइन सतीश कुमार शर्मा सहित अन्य कर्मचारीगण गोरखपुर जोन के विभिन्न जनपदों से आए हुए फुटबॉल कोच, रेफरी व खिलाड़ी, पुरुष महिला सभी लोग मौजूद रहे। तो बहुत ही ऐतिहासिक मैच इसको आप कह सकते हैं श्रावस्ती जनपद के, जो पुलिस लाइन में हुआ है, जहां पर हमारी श्रावस्ती की टीमों ने गोरखपुर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा करके ट्रॉफी अपने कब्जे में किया है। सबसे पहले महिला खिलाड़ियों की बात कर ली जाए तो महिला खिलाड़ियों में मायावती हैं, राणा हैं और भी बहुत सारे नाम हैं जो अभी हम आपको बाइट में दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा कमाल जो कर दिया यहाँ पर ये व्यक्ति जो आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है, इनको साधारण व्यक्ति मत समझिए, ये हमारे श्रावस्ती ज़िले के अपर पुलिस अधीक्षक हैं। जब आप इनको वर्दी में देखेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल ही खिलाड़ियों की तरह, आम खिलाड़ियों की तरह खड़े हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इस उम्र में, जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि इस उम्र में बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उस उम्र में ऐसा तहलका मचा देंगे कि पूरा फील्ड जो है गदगद हो गया। स्वयं कप्तान साहब, स्वयं डीएम साहब खुशी से झूम उठे, क्योंकि हमारे एडिशनल एसपी ने छोटे छोटे जो खिलाड़ी हैं, जो युवा वर्ग के खिलाड़ी हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए ऐसा हेड शॉट मार करके गोल किया कि उन्होंने पूरे श्रावस्ती ज़िले को जीत दर्ज करा दी। ऐसे पुलिसकर्मी को, ऐसे अपर पुलिस अधीक्षक को ग्रेट श्रावस्ती चैनल सैल्यूट करता है। हम लोगों ने तो सोचा नहीं था कि ये इस तरीके का हेड शॉट दे करके श्रावस्ती को मैच जिता देंगे। ये मैच देखने के लिए पुलिस रिजर्व लाइन में बहुत सारे दर्शक पहुंचे थे, जहां पर लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये समझ लीजिए मिलियन डॉलर का मैच था। जब एडिशनल एसपी ने हेड शॉट मार करके गोल किया है, उस वक्त जैसे सबसे पहले महिला खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा काम किया। महिला खिलाड़ियों ने गोरखपुर की खिलाड़ियों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, शुरू से उनका दबदबा बरकरार रहा और 3 गोल करके उन्होंने सबसे पहले श्रावस्ती को जीत दिलाई। और उसके बाद जब पुरुष वर्ग के खिलाड़ी गए तो उसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब जो हैं, उन्होंने तो धमाका कर दिया, ऐसा धमाका कि शायद ये इस फुटबॉल टूर्नामेंट के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जाएगा कि कोई एडिशनल एसपी हमारे श्रावस्ती में आए थे, जिन्होंने ऐसा कमाल कर दिया। एक तो वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे भी हैं और उसके बाद उनका जो हेड शॉट पड़ा वो तो देखते रह गए सब लोग, पूरी पब्लिक एकदम से
खुशी से झूम उठी। लोग जो है, जो दर्शक वहाँ पर मैच देख रहे थे, वो तुरंत अपना जगह छोड़कर पहुंच गए और एडिशनल एसपी साहब को लोग अपने कंधे पर बिठा करके लेकर आए, जहां पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और उनके जो सीनियर हैं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, उन्होंने उन्हें सीने से लगा लिया। बहुत ही ऐतिहासिक पल था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि हमारे श्रावस्ती ने मेजबानी की और हमारे ही श्रावस्ती ज़िले ने बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच को जीता है। जितने भी खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे थे, सभी जनपद के आए हुए खिलाड़ियों का श्रावस्ती जिला बहुत बहुत स्वागत करता है। और जितने भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम खेला है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से श्रावस्ती ज़िले का नाम रोशन होता रहे। यहाँ पर टीमों से मिलते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया सबका परिचय लेते हुए, जो कोच हैं, जो रेफरी हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये बात मैं भूल गया था, श्रावस्ती की टीम जो ये फुटबॉल मैच जीती है और ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है, इसमें जो हमारे श्रावस्ती के कोच हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि श्रावस्ती के कोच की आज योग्यता, जो उनकी जो स्किल है, उन्होंने जो अपने शिष्यों को सिखाया है, वो वास्तव में आज सामने आ गया। इतनी धुरंधर टीमें अंतर जनपदीय मैच में श्रावस्ती ने खिताब जीता, ये बहुत ही गर्व की बात है। ये देखिए कितना खुशी का माहौल है। जैसे ही एडिशनल एसपी ने हेड शॉट करके गोल किया, पूरा फील्ड जो है खचाखच, जो दर्शकों से भरा हुआ था, सारे लोग पहुंच करके एडिशनल एसपी के साथ, एडिशनल एसपी साहब के साथ पहुंच गए और उनको उठा कर ले जाने लगे। अभी तो ये सीना गर्व से चौड़ा है। आज साबित कर दिया एडिशनल साहब ने कि ये बाल वैसे नहीं सफ़ेद हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है, लोगों को सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छे पुलिसकर्मी, बहुत ही अच्छे प्लेयर आज आपके आँखों के सामने। किसी ने सोचा नहीं था कि जो जलवा दिखाएंगे कि श्रावस्ती कभी भूल नहीं पाएगा, एडिशनल साहब का जलवा शायद श्रावस्ती कभी भूल नहीं पाएगा। ये देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक दोनों गले मिलते हुए जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी सभी को शुभकामनाएँ देते हुए, ये पहला गोल किया है हमारे यहाँ के एडिशनल एसपी ने, कि जिलाधिकारी और एसपी साहब खुद उठकर आ गए बधाई देने के लिए। इतना खुशी का माहौल है यहाँ पर। और आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। श्रावस्ती ने मैच जीत लिया है और देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है फील्ड में। जो दर्शक हैं वो भी आज आम लोगों की तरह, जो पुलिसकर्मी हैं वो आज आम लोगों की तरह एक साथ एक जगह के स्टेडियम में खड़े हुए हैं और इतना खुशी का पल है, इतना गौरवान्वित करने वाला पल है, जैसे लगता है कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इतना खुशी हुआ। देखिए एडिशनल एसपी साहब को, जो हमारे युवा पुलिसकर्मी हैं, खिलाड़ी हैं, वो कंधे पर बिठा करके जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास ले जा रहे हैं। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शायद ये मैच श्रावस्ती ज़िले के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक मैच साबित होगा और कभी भी जो हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, इनको श्रावस्ती ज़िला भुला नहीं सकेगा। दो बार गोल करके उन्होंने श्रावस्ती को जीत दिला दी है, सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है जिलाधिकारी का, अपर जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक का। देखिए झूम रहे हैं कप्तान साहब, खुशी का ठिकाना नहीं है। जितने भी हमारे श्रावस्ती के खिलाड़ी हैं उन्हें अद्भुत अदम्य साहस का परिचय दिया है। बहुत ही ग्रेट गेम कह सकते हैं इसको, जिस तरीके से हमारा श्रावस्ती ज़िला ग्रेट श्रावस्ती कहा जाता है, उसी तरीके से यहाँ के खिलाड़ियों ने श्रावस्ती की लाज रख ली है और ये कभी भुलाया नहीं जाएगा श्रावस्ती के इतिहास में। जो है जिलाधिकारी सबको बधाई दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के खुशी का ठिकाना नहीं है। इतने धुरंधर टीमों को अंतर जनपदीय मैच में हराने के बाद आखिरकार श्रावस्ती ने फाइनल का खिताब जीत लिया है और ये जश्न का माहौल है। इस वक्त स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लोग बधाई दे रहे हैं। ये पुलिस रिजर्व लाइन है, थोड़ा सा अनुशासन से यहाँ पर रहना पड़ता है, नहीं तो अगर ये पब्लिक ग्राउंड होता तो यहाँ पर गोले तमाशे आतिशबाजी भी होने लगती। चूँकि ये पुलिसकर्मी हैं, जितने भी लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं,
ये आज वर्दी में नहीं है, लेकिन अगर वर्दी में ये लोग निकल पड़ते हैं तो तहलका मच जाता है। तो आज साधारण जो है खेल के कपड़ों में है, साधारण कपड़ों में है और इतिहास रच दिया है यहाँ के खिलाड़ियों ने, कभी भुलाया नहीं जाएगा ये मैच, इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है। और आइए एक बार हम लोग ट्रॉफ़ी पे नज़र डालते हैं। ट्रॉफ़ी यहाँ पर रखा हुआ है और उस सामने जो महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई हैं, इनका भी योगदान काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि जो कमेंट्री की है, जो एंकरिंग की है, वो इन्होंने ही की है पूरे टूर्नामेंट मैच के दौरान। जनपद श्रावस्ती की महिला खिलाड़ियों ने विजय हासिल की है। जोरदार तालियां हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। ये हर्ष का विषय है, आज हमारी श्रावस्ती पुलिस की महिला टीम ने तीन जीरो से जनपद गोरखपुर की टीम को हराया। ये हर्ष का विषय है, बहुत ही कम समय में मेहनत परिश्रम के साथ सभी का सहयोग हमारी नारी शक्ति ने आज अपने विजय को प्राप्त किया है। और आप सभी को बता दें, वही मैदान में असली खिलाड़ी कहलाते हैं। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, पर हिम्मत और हौसला भी हमारा किस्सा है। तालियां बजाओ, तालियां भाई, जोरदार तालियां हमारी महिला फुटबॉलर के लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। और उनके माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारी महिला फुटबॉलर्स को इतनी अच्छी विजय हासिल करने हेतु बधाई दी। महिलाओं की मेहनत लगन ने आज निश्वास को आज साकार किया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे मेहनत किए हैं, आज जो मेहनत किए हैं, मेहनत का आज फल दिखाई दिया है। हमारे बच्चे पिछले साल भी बहुत मेहनत किए थे, लेकिन देवरिया में गए तो विजेता ना हो गए, उप विजेता रह गए थे। लेकिन इस साल हमारे बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और उस मेहनत का आज परिणाम है कि आज विजेता घोषित हुए हैं। आपके सामने इतनी धुरंधर टीमें थी, जी आपको बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, कैसे आप लोगों ने जीता? नहीं तो हमारे बच्चे मिला कर खेले हैं, टीम एकता से खेले हैं। हमारे बच्चे बहुत बढ़िया, कहा नाम है कि जितना दिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, बहुत बाखूबी से कहा नाम है कि ग्रहण किए इसको, जितना कम समय में जैसे हमारे बच्चिया कहा नाम है मेहनत की, उसका परिणाम आपके सामने है कि आज विजेता हुई। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही हमारे श्रावस्ती पुलिस रिजर्व लाइन में जो पुलिसकर्मी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ये मैच जिता करके श्रावस्ती में जो इतिहास रच दिया है वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे चीफ गेस्ट मंच पर आए, thank you।
लास्ट में मंच से गुजरने जा रही है श्रावस्ती महिला व पुरुष टीम प्रथम स्थान ले रही। गोरखपुर जोन की अंतर जनपदीय पुलिस महिला पुरुष वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता वर्ष 2024 का आयोजन श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में दिनांक 21/7/24 से 24/7/24 तक पुलिस लाइन श्रावस्ती के फुटबॉल ग्राउंड पर कराया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन दिनांक 21/7/24 को किया गया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन की कुल 10 पुरुष टीम एवं 7 महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। जनपद बलरामपुर की टीम व जनपद संत कबीर नगर महाराजगंज सिद्धार्थ नगर की महिला टीम भी किन्हीं कारणवश प्रतिभाग नहीं कर सकी कि सेमीफाइनल में महिला वर्ग में पहला मुकाबला श्रावस्ती बनाम कुशीनगर, दूसरा मुकाबला गोरखपुर बनाम बहराइच में रहा, जिसमें प्रथम मुकाबले में श्रावस्ती ने कुशीनगर को हराकर व गोरखपुर ने बहराइच में हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसी प्रकार सेमीफाइनल में पुरुष वर्ग में गोरखपुर बनाम बस्ती पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला श्रावस्ती बनाम देवरिया, जिसमें गोरखपुर ने बस्ती को हराकर व श्रावस्ती ने देवरिया को हराकर अपना फाइनल में
प्रवेश किया। आज महोदय के समक्ष खेले गए फाइनल महिला वर्ग में जनपद की टीम विजेता रही। उसी प्रकार गोरखपुर की महिला टीम उप विजेता रही। पुरुष वर्ग में फाइनल में श्रावस्ती जनपद की टीम विजेता रही। गोरखपुर की टीम उप विजेता रही। प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न कराने में बाहर से आए विनायक मंडल सहित जनपद श्रावस्ती व अन्य जनपद के अधिकारी कर्मचारी गणों का विशेष योगदान रहा। साथ साथ मीडिया बंधुओं का भी आभारी हूं, जो कि खेल संबंधी जानकारी जन 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 तक पहुंचाएंगे। खाना वाना नहीं मिलता है खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार वितरण हेतु आग्रह करूंगा। सर पुरस्कार के क्रम में पहला प्रतियोगिता टीम गोरखपुर पुरुष महोदय के समक्ष आ जाए, जिसमें से टीम के कोच है महोदय के समक्ष आ जाए। अगला है आरक्षी अमर सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास यादव। इधर देखिए, इधर इधर पीछे सर, इधर आइए। थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाइए थोड़ा, हमारा प्रोग्राम है। थोड़ा सा मीडिया वाले में सामने छोड़ करके सामने वाले देखते हैं। आरक्षी साहिब, आरक्षी साहिब, आरक्षी आरक्षी सूर्या सिंह,